हवेली खड़गपुर थाना पुलिस ने खड़गपुर झील पर दो युवक को अवैध देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक थाना क्षेत्र करता गांव निवासी बलजीत सिंह का पुत्र पीयूष कुमार और वीरेंद्र सिंह का पुत्र मनोरंजन कुमार उर्फ मोनू बताया जा रहा है। वहीं इस मामले के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए SDPO चंदन कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि खड़गपुर झील पर दो युवक खड़े हैं और उनके पास अवैध हथियार है। दोनों युवक किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अपराधी पकड़े हैं, क्या मीन बैक उनसे कौन से? जैसा कि आप लोगों को पता है कि निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में पुलिस मुख्यालय और बरेली सदर अधिकारी का सख्ती निर्देश है वापस सदन। इसी क्रम में जो है खड़गपुर थाना को सूचना मिली कि खड़गपुर से ही सवार दो लड़के बाइक पर सवार वो पत्नी एक अवैध व्यक्ति हथियार इन्हें करके वहाँ पर घूम आए। उसी सूचना के सत्यापन में और आवश्यक कार्रवाई में ये लोग यहाँ से प्रस्थान की। वहाँ खड़गपुर झील पहुँचने के बाद वहाँ पुलिस बल को देख करते जिनका दोनों लड़के भागने लगे, जिनको भी स्वास्थ्य बल से सहयोग से दिलात के पास में पकड़ा गया। वहाँ पे ये लोग भी अब तलाशी ले रही, पिंक के पास से जो है एक देसी अवैध कट्टा मिला था, जान वोनी मिली है और एक पोखा भी लोग के पास था और इन दो मोबाइल मिला है और इन जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था उसकी बरामदगी आ गई। क्या पर्पज था नहीं सर, इसके लिए तीनों से पूछताछ की। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस को देख कर दोनों युवक बाइक लेकर भाग निकला। पुलिस ने पीछा करते हुए एक युवक को दरियापुर गांव के मंदिर टोला से गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा युवक वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने खदेड़ कर संत टोला के नज़दीक दरगाह के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस, एक खोखा, दो मोबाइल तथा एक बाइक बरामद किया गया है। पुलिस ने पीयूष कुमार और मनोरंजन उर्फ मोनू के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से अवैध हथियार के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। अपना मुंगेर के लिए नंदन कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।